यात्रा से जुड़ा सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो झारखंड के देवघर स्थित प्राचीन शिव मंदिर का है। इसमें बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं ने कंधों पर कांवड़ लेकर हलाला और तलाक से बचने के लिए प्राचीन शिव मंदिर में जल चढ़ाया है। बुर्का पहने हुए कुछ मुस्लिम महिलाएं कंधे पर कांवड़ रखकर कांवड़ यात्रा में शामिल होती हैं और अपने कंधों पर ही कांवड़ रखकर कुछ दूर तक चलती भी हैं। इसके बाद वे हिंदू महिलाओं को कांवड़ दे देती हैं, जिसके बाद हिंदू महिलाओं द्वारा विधि विधान के साथ भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है। और इस वीडियो की हकीकत तो यह है कि यात्रा 2015 में और 2016 में इंदौर में निकाली गई है और ये यात्रा हम लोगों के द्वारा ही निकाली गई थी। इस यात्रा की प्रभारी मैं थी और इस यात्रा के संयोजक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व राज्य मंत्री सेम पावरी जी थे और यात्रा सभी को एक करने के उद्देश्य से निकाली गई थी। ये इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि देश की एकता को भंग किया जाए और आज बहनों को इंसाफ मिलने जा रहा है। तीन तलाक जैसे मुद्दे पर आज वो अपनी ज़िंदगी को स्वतंत्रता से जी सकेगी, जो उनमें एक भ्रम बना रहता था कि कब उनका पति उनको तलाक तलाक बोलकर तलाक दे देगा। आज हमारे मोदी जी जिन्होंने इतनी बड़ी पहल कर बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए इस चीज़ से न्याय दिलाने की पूरी कोशिश आज हो जाएगी। आज ये मुद्दा पास हो जाएगा, इस बिल को पास किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये यात्रा सद्भावना और एकता के उद्देश्य से इंदौर में 2015-16 में निकाली गई थी। इस यात्रा में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए थे। ये वीडियो काफी पुराना बताया जा रहा है। देखिए, ये कांवड़ यात्रा तो 2015 में और वर्ष 2016 में इंदौर में निकाली गई। जो असामाजिक तत्व और गलत तरीके के लोग हैं और जो पूरे देश में इस तरीके का भ्रामिक प्रचार कर रहे हैं, मैं यही आग्रह करूंगा कि इस तरीके का भ्रामिक प्रचार ना करें, क्योंकि यह देश की एकता का सवाल है। 125 करोड़ हमारी जनता जो है वो एक सर्वधर्म संभाव से रह रही है। एक यात्रा का उद्देश्य ही जो है वो एकता के सूत्र में हम सब साथ में हैं और जो गंगा जमुना हमारी सालों से तहजीब चली आ रही है उसी को हमने कंटिन्यू रखते हुए ये एक साझा संस्कृति कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया था। ये यात्रा जो है इसमें हिंदू बहनों से मुस्लिम बहनों ने कांवड़ ली, एक सांकेतिक रूप में थोड़ी दूर तक वो चले और मंदिर परिसर आने के पूर्व जो हिंदू बहनों ने कांवड़ वापस ले ली और हिंदू बहनों के द्वारा ही जो है शिवजी का जलाभिषेक हुआ था। साझा संस्कृति मंच के माध्यम से लगातार दो साल 2015-16 में सद्भाव कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया था। इसमें सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई थी। सबसे पहली बात यही कहूंगी कि वो वीडियो देवघर का नहीं है, वो कांवड़ यात्रा देवघर में नहीं निकाली गई है, वो कांवड़ यात्रा इंदौर में निकाली गई है। सेम पावरी जी साझा संस्कृति के संयोजक, उनके माध्यम से ये यात्रा निकाली गई और ये बहुत अच्छा माहौल और खूबसूरत दृश्य हम सबको देखने को मिला। जिस यात्रा कांवड़ यात्रा में मैं भी वहाँ शामिल हुई और मेरे साथ कुछ मुस्लिम बहनें भी शामिल थीं और उस कांवड़ यात्रा को बड़े इत्तेफाक के साथ हिंदू बहनों ने मुस्लिम बहनों को दी और कुछ दूरी चलने के बाद मुस्लिम बहनों ने अदब के साथ उस कांवड़ को हिंदू बहनों को वापस दी, जिसका उन्होंने पूरा जो भी उनकी रस्म के हिसाब से करना था वो हिंदू बहनों ने किया। और इस यात्रा को निकालने का हम लोगों का उद्देश्य यही था, एक इत्तेफाक मोहब्बत जाहिर करना और उसको दिखाना, एकता का प्रतीक जाहिर करना जो मुस्लिम और हिंदू बहनों ने किया। तो जिस तरह से सोशल मीडिया में इस यात्रा को देवघर का बताकर भ्रांति फैलाई जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। तीन तलाक से इस पूरी कांवड़ यात्रा का कोई ताल्लुक नहीं है। फिलहाल इस कांवड़ यात्रा के वीडियो को तीन तलाक और हलाला को लेकर हाल फिलहाल का बताया जा रहा है। साथ ही इस वीडियो में शामिल लोगों का भी कहना है कि इसे लेकर गलत अफवाह फैलाकर देश का माहौल खराब ना करें। इंदौर से न्यूज के लिए शहबाज खान की रिपोर्ट।